नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। जो आरोपों से खुद घिरे हैं, 7 बार निलंबित हो चुके हैं, वो मुझ पर क्या आरोप लगाएंगे? ये कहना है जिला चिकित्सालय सीधी के सिविल सर्जन डॉक्टर एस बी खरे का। उन्होंने कहा कि पूर्व सिविल सर्जन रहे डॉक्टर देवेंद्र सिंह आरोपों से घिरे हुए थे। उन्हें 7 बार निलंबित किया जा चुका है। मैंने 32 साल की नौकरी किया, कभी निलंबित नहीं हुआ। डॉक्टर खरे ने कहा कि शासन की प्रक्रिया के तहत मुझे सिविल सर्जन का प्रभार मिला है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह द्वारा लगाए गए आरोप गलत। मैंने किसी भी विधायक को पैसे के दम पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी विधायक को पैसे नहीं दिए हैं और न ही पैसे के दम पर ये प्रभार लिया है। मैं उस वक्तव्य का खंडन करता हूँ। आरोप लगाना अलग बात है, सच्चाई सामने लाने की ज़रूरत होती है। आगे सिविल सर्जन डॉक्टर सरकार बहादुर खरे ने क्या कहा, सुनिए पत्रकार वार्ता के दौरान पूरी बातचीत। पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे और 2003 के सर्कुलर में के परिपालन में इनके सिंगल बेंच, माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने इनके आदेश को निरस्त किया, फिर भी ये प्रभार में डटे रहे। और मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जब इनका सिंगल बेंच और डबल बेंच से प्रभार निरस्त खत्म कर दिया गया तो इनको तत्काल प्रभार देने का आदेश था माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर। फिर ये 2.5 महीने तक कुर्सी में बैठे रहे और 31 तारीख को जब रिटायर होते हैं तो 1 तारीख को डॉक्टर दीपा रानी को प्रभार पकड़ाते हैं, देते हैं, जो भी एक गैर कानूनी प्रभार था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर दीपा रानी हमसे बहुत जूनियर हैं, उनको भरवाया होगा कि वो तो हाई कोर्ट ने खरे को मना कर दिया है तो तुम बन जाओ। वो बेचारी नहीं समझती थी इस बात को और उसको भी फंसाने का प्रयास किया इस व्यक्ति ने, जबकि ये नियम है कि अगर सिविल सर्जन और सीएमओ के पद का अगर प्रभार दिलाना है तो हम सिविल सर्जन होते रहते अपना सिविल सर्जन का प्रभार नहीं दे सकते। अभी 2.5 महीने तक वो सिविल सर्जन रहे हैं जी। इस दौरान अस्पताल में भ्रष्टाचार सहित कुछ और भी कारनामे किए हैं? अब इसके बारे में मैं अब जांच करूंगा तभी बता पाऊंगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर मंजू जो है अभी आपके ऊपर पूर्व सिविल सर्जन महोदय ने एक आरोप लगाया कि आप विधायकों को पैसा देकर सिविल सर्जन का पद हासिल किए हैं, क्या करेंगे? देखिए, इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी मध्य प्रदेश में सीनियरिटी लिस्ट जो विशेषक संवर्ग की है उसमें 315 नंबर में हूँ और रीवा संभाग में 2-3 लोग की छोड़ के अलावा मेरे से कोई सीनियर नहीं है, ठीक है? तो प्रभार देने की प्रक्रिया शासन करती है अथवा शासन से अधिकृत कलेक्टर महोदय हैं वो करते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव का सर्कुलर है कि अगर सिविल सर्जन का पद अचानक रिक्त होता है, एक्सीडेंट से कुछ होता है या लंबे समय लापता है या लंबे समय से नहीं आ रहे हैं या मृत्यु हो गई है, ऐसी परिस्थिति में शासन ने सीधे कलेक्टर को निर्देशित किया है कि वो प्रभार सीनियरिटी के बेसिस में देंगे और विशेष संबंध में जो सबसे सीनियर होगा उसको प्रभार दिया जाएगा। तो मुझे जो प्रभार दिया गया है माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया है और उन्होंने पूरा अध्ययन करके आदेश किया है कि वो सीनियर मोस्ट हम हैं और सीनियर मोस्ट होने के नाते उन्होंने मुझे प्रभार दिया। इस संबंध में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि उसमें ये कंडिकाएँ भी हैं कि अगर विशेषज्ञ संवर्ग में सीनियर वर्ग का जो चिकित्सक है अगर उसके ऊपर आरोप हैं, कोर्ट केस है, न्यायालयीन प्रकरण संधारित है अथवा उसके खिलाफ विभागीय जांच चलती है, उसे भी प्रभार सीनियर होते हुए भी नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी ने यह भी बोले हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसे आदेश कुछ जारी किए हैं कि आप कभी सिविल सर्जन नहीं बन सकते। जी नहीं, ये वो झूठा प्रचार कर रहे थे और मैं हमेशा जिसने भी मुझसे पूछा है हाई कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है, आप चाहें तो उसकी प्रतिलिपि हमसे ले लें। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो माननीय कलेक्टर महोदय ने पढ़े हैं और कलेक्टर स्वयं सविवेक का उपयोग करते हैं और उन्होंने सारे ऑर्डर पढ़ के हाई कोर्ट के आदेश पढ़ के और आदेश किया है, कभी आप आदेश की कापी का अवलोकन करें। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ क्योंकि अपने हाई कोर्ट के बारे में पूछा। अब देखिए, ऐसे ही लोग तो ऐसा आरोप लगाते हैं जो स्वयं गलतियाँ करते हैं। आज उन्होंने 4000 स्क्वायर फीट की जो शासन की ज़मीन, जिला चिकित्सालय की ज़मीन है उस पर उन्होंने कंटेनर सीट से बना के अपनी क्लिनिक लगा चला रखी है। इसके बारे में
मैंने उनको जब मैं पहले सिविल सर्जन था मैंने नोटिस दी थी और मैंने आवश्यक कार्यवाही हुई तत्कालीन कलेक्टर को लिखा भी था और तत्कालीन कार्यालय कलेक्टर सर ने नोटिस भी जारी की थी और कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिया था। तब तक मैं हट गया और ये पदासीन हो गए। अब डॉक्टर देवेंद्र सिंह जब खुद गलत काम कर रहे हैं सिविल सर्जन पद पर बैठे रहे तो वो अपना अतिक्रमण थोड़ी हटाएंगे, अतिक्रमण हटाएगी तो शासन प्रशासन देखेगा उसको और उसको हटाना ही होगा। अब क्या उस संदर्भ में आप जो चूँकि वो रिटायरमेंट हो चुके हैं तो अब क्या उसके लिए पत्राचार वगैरह आप यहाँ से? नहीं, अब तो मैं पुरानी फाइल निकालूंगा और पुरानी फाइल के आधार पे मैं माननीय कलेक्टर महोदय को सूचित करूंगा कि ये एक आपराधिक कृत्य है, आप शासकीय ज़मीन पर कब्जा करके और नर्सिंग होम चला रहे हो, ये आवासी और आवासी वहाँ पर सारे डॉक्टर्स रहते हैं, सारा काम चलता है वहाँ पर और उससे प्रदूषण फैलने की का खतरा है और ये जो जैविक कचरा होता है वो भी इकट्ठा होता है, ये सब बहुत खतरे की बातें हैं। इस पे मैं माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा करूंगा और निश्चित तौर पे आवश्यक कार्रवाई करूंगा। आखिर आरोप लगाने की वजह क्या थी? आरोप लगाने की वजह ये है कि मेरा जो 30 साल का अनुभव रहा है इनके साथ कि ये जो जो भी सिविल सर्जन या CMO रहा है उसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया, खुद अपनी गलतियां करते रहे, अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं किया और इनका झगड़ा हमेशा पब्लिक से हुआ, मरीजों से हुआ और नेताओं से तो होता ही रहता है वार्तालाप और इनके ऊपर सारे आरोप लगते ही रहते हैं। मेरे खिलाफ उनकी जो वजह है वो ये है कि जब इन्होंने मेरे सिविल सर्जन के आदेश को चैलेंज किया और उस चैलेंज पे इनको स्टे मिला, माननीय उच्च न्यायालय स्टे दिया, तो मैंने इनके खिलाफ याचिका दायर की कि इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं इसलिए इनको सिविल सर्जन का जो प्रभार दिया गया है वो सर्वथा गलत है। मैंने सिविल सर्जन का प्रभार माननीय उच्च न्यायालय से नहीं मांगा, मैंने याचिका दायर की थी इनके ऊपर इस बात की कि इनके ऊपर 420 का प्रकरण संधारित है, न्यायालय में इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, अतः इनका सिविल सर्जन का आदेश निरस्त किया जाए। डबल बेंच के माननीय न्यायाधीशों ने कि कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और डायरेक्शंस में अंतर होता है, ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो दिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता या कोई एक निर्देश नहीं है कि इन्हें मुझे प्रभारी सिविल सर्जन क्यों ना बनाया जाए। हाई कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं लिखा है, मेरे विरुद्ध कौन सी जांच संधारित है, कौन सी वित्तीय अनियमितता की बात है या कौन मेरे खिलाफ आपराधिक प्रकरण कोर्ट में है। मेरा लास्ट सवाल है जी, आपके ऊपर आरोप लगाया है कि 15-15 लाख रुपए लेकर आप सिविल सर्जन बने, इसके खिलाफ आप क्या अभियान करेंगे डॉक्टर? नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ। हमारे माननीय सम्मानीय विधायक जो हैं वो उनके ऊपर जो आरोप डॉक्टर देवेंद्र सिंह है वो सर्वथा अनुचित, गलत और असत्य है, इसका कोई भी आधार नहीं है और ये झूठा आरोप है। और डॉक्टर देवेंद्र सिंह की बहुत पुरानी आदत है, वो जनमानस को कंफ्यूज करते हैं, गलत गलत बातों का प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप में अश्लील बातें लिखते हैं, इवन वो जो नहीं लिखना चाहिए वो भी लिखते हैं, ये विषय उनके लिए पूरा सीधी जानता है। मैंने 32 साल सेवा की है CG जिले की और उन्होंने भी तकरीबन 30 साल सेवा की है, वो अपने सेवा काल में 7 बार सस्पेंड हुए हैं, उनके खिलाफ 10 या 12 प्रकरण आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और मैं 32 साल में एक भी बार सस्पेंड नहीं हुआ, कभी वेतन वृद्धि नहीं रुकी, आज तक मेरे खिलाफ कोई विभागीय जांच नहीं संधारित है और ना ही वित्तीय अनियमितता का आरोप है। उनके खिलाफ न्यायालय में भी आप अपील करेंगे? जी हाँ, मैंने अपील की थी, माननीय उच्च न्यायालय को मैंने बताया, तब इनके माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल और डबल बेंच में दोनों ने इनके सिविल सर्जन बनाने के आदेश को निरस्त किया है। अभी जो आरोप लगाए हैं पैसे के लिए, ये मैं अपने जो ये आरोप लगाया है इसके बारे में अपने मैं वकील साहब से इसके बारे में चर्चा करूंगा और जैसा वो मुझे गाइडेंस देंगे उसके आधार पर मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक मानहानि है और ये मानहानि का विषय होता है। सम्मानीय लोगों पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं और मैं तो इसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं और आवश्यकता पड़ेगी तो कानूनी सलाह लेके मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा।